close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So, hello guys, welcome back to my channel, The Gaming Boy. और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके वन टैप हेडशॉट की। तो आपको सिंपली यहाँ के खड़ा हो जाना है और इन दोनों कॉर्नर में जाके आपका जो एम होता है उसको बार बार उस पर ना, मतलब वहाँ से लेकर उसको साइड तक जाओ। इससे मतलब आप ना इसको ना ऐसे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये हेडशॉट के लिए ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे ना आपकी मूवमेंट स्पीड तेज़ हो जाती है। जब आप अपनी स्क्रीन रोटेट करते हैं ना, तो इससे आपकी स्क्रीन ज़्यादा जल्दी रोटेट होती है। और ये होता है हमारा 180 डिग्री हेड शॉट के लिए, क्योंकि आप सबको पता है। फिर आपको यहाँ बीच में आके खड़ा हो जाना है। टिप नंबर टू है कि आपको यहाँ पर बीच में आके खड़ा हो जाना है और दोनों साइड में जाके जिस साइड एम होता है उसके दूसरी साइड, अपोजिट साइड मारना है आपको। उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। उससे ये होगा कि अगर बंदा आगे से आ रहा है, समझो, और आगे से भी आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, तो आगे वाले को तो तुम चलो वैसे भी संभाल लोगे, पर जो पीछे वाला है उसको लगेगा कि तुम आगे देख रहे हो, पर तुम उसको पर उसको ये नहीं पता कि तुमने उसको देख लिया है, पर तुम्हें पता है कि तुमको उसको 180 डिग्री हेडशॉट कैसे मारना है। इसलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 180 डिग्री हेडशॉट की। ये दोनों कॉर्नर पकड़ लेना, इससे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। बस और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये कॉर्नर सबसे बेस्ट है अभी तक के। मूवमेंट स्पीड आपको अपनी तेज करनी, इसको मूवमेंट स्पीड नहीं कहते हैं। मूवमेंट स्पीड वो होता है जब आप दो बंदों के आगे से निकल के कोई तीसरे बंदे को मार दो, वो चीज़ होती है आपकी मूवमेंट स्पीड। उसके ऊपर भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा। और ड्रैग करना तो सब बच्चों को आता है, जो फ्री फायर खेलते हैं यार, ड्रैग करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ड्रैग सिखाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, पर मैं इसकी भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ज़रूर लाऊँगा, ड्रैग हेडशॉट की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ, जो है कि आपको यहाँ पर आना है, और ये नहीं होते डमी बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं, डिकॉय ग्रेनेड डमी बोलते हैं हम तो उसको, तो आदमी बोलते हैं, फेंक, इसको कोई यूज़ नहीं करता बेसिकली। आपको आना है और चुपचाप यहाँ से लेके अपने गेम के अंदर चले जाना है। तो थर्ड टिप होगी आपकी ये, वो अभी हुई नहीं है, मतलब मैं समझा रहा हूँ, थर्ड टिप में आपको तो गाइस आपको यहाँ पर आना है और आराम से आके आपको यहाँ पर ये डमीज लगा देना है। डमी बोल रहा हूँ यार मैं, तो समझ जाना क्या ये। तो इसमें आके आपको करना ही है कि आपको अपनी मूवमेंट स्पीड बढ़ानी है और दोनों के बीच में से निकल के एक को मारना है। ये मैंने समझाने के लिए अभी मार नहीं रहा बेसिकली, पर आपको अपनी मूवमेंट स्पीड इससे बहुत तेज़ करनी है मूवमेंट स्पीड। और इससे होगा यूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी मतलब आप कहीं भी मारो, आपकी गोली उस बंदे पर चिपक जाएगी, मतलब जाके ऐसे सीखना है दूसरा बंदे को लग गई, पर आपको ऐसी गोली चलानी है कि वो बंदे पे चिपक जाए, मजा के ये देखो ऐसी गोली मारनी है कि आपकी मूवमेंट के साथ वो बंदे को गोली एक्यूरेसी की चलते हुए और वो बंदे पे चिपक जाए बिल्कुल ऐसी। आप बंदे यार, बंदे लोग बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर आ गया अब, और तो मैंने यहाँ से चलो आपको स्टार्ट करा देता हूँ सिखाना। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ की एक्यूरेसी बढ़ाती रहनी है, मतलब प्रैक्टिस करते रहो, मतलब प्रैक्टिस से हर चीज़ होती है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप तुम एक दिन अपने आप मतलब सीख जाओगे। मतलब वन टैप मारने के लिए आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी चाहिए कि आपकी गोली अगर निकले ना तो सीधे हेड पे पड़े बंदे के। तो चलते हैं अपनी फोर टिप की तरफ, फोर टिप है हमारी, तो अपनी फोर टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर टिप यह है कि आपको पहले चूज़ करना है कि आप कौन सा वन टैप मारना चाहते हो। एक वन टैप होता है जो बॉडी पे एम करके उसके हेड पे जाता है पूरा, और एक वन टैप ऐसा होता है जिसमें यह होता है कि आप पूरा मतलब राउंड घूम के मारते हो बंदों को, जैसे कि मैंने डमी में बता दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो जैसे कि बंदा आया, इसको मैंने कुछ नहीं कहा, और ये देखो घूम के इसको मैंने जो वन टैप मारा, इसको मैंने स्लो करके भी दिखाया है, तो इसको आप समझ जाओ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको पहले ना, आपको शुरुआत से सीखनी पड़ती है ना हर चीज़। जैसे बच्चा पहले चलता है घुटनों के बल, फिर चलना सीखता है, तो वैसे ही आपको इसमें करना है कि इसमें आपको करना ये है कि दो टाइप के वन हेडशॉट होते हैं, एक होता है वन टैप हेडशॉट, एक होता है 180 डिग्री हेडशॉट। तो पहले आपको वन टैप हेडशॉट से सीखना है हर चीज़। पहले वन टैप हेडशॉट में होता है, मैंने बताया कि आपको सीधा बॉडी पे एम ले जाना है और ऊपर को ड्रैग कर देना है, तो ये बहुत सिंपल होता है, बस यही करना।
बस ट्रेनिंग मोड में आ जाओ और बंदों के ऊपर मतलब एम करके अपने प्रैक्टिस करते रहो। अब जिस साइड बंदा जाएगा आपको उस साइड फायर बटन को ड्रैग कर देना है। और एक वन टैप होता है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, मैं एक और बार दिखा देता हूँ, ये वाला वन टैप। तो चलते हैं अपनी लास्ट और फिफ्थ टिप की तरफ, जो कि है आप सबको पता है वो टिप सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इसको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें होता यूँ है कि आप जब भी बंदे को मारोगे तो आपको गन स्विच कर लेनी है। और इससे ये होगा कि आपका ना मतलब एक एम होता है ना, वो ना परफेक्ट बैठ जाता है उसमें। आपको जैसे ही बंदे को मारोगे आप अपना स्विच कर लो, जब भी वन टैप मारोगे अपने गन को स्विच कर लो। और जब भी मतलब जब बंदा सामने से आता है तो मैं हमेशा देखा होगा, मैं हमेशा जंप करके मारता हूँ बंदे को। जब जंप करता हूँ और अब बंदे के ऊपर एम ले जाके उसको ड्रैग कर देता हूँ। और मैं दिखा देता हूँ अभी, तो जैसे मैंने वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो करके दिखा दी है कि कैसे मैं करता हूँ। मैं हमेशा बंदे को देखा होगा आपने, बहुत स्लो वीडियो थी वो। तो मैं जब भी बंदे को मार रहा था मैं पहले तो जंप कर रहा था और दूसरी बात मैं स्विच कर रहा था गन को मारने के बाद। तो बस यही आज की 5 टिप्स थी, और मिलते हैं चलो अगली वीडियो में। और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखना कि अगली वीडियो किस चीज़ की हो, कंटेंट बताना, तभी बनाऊंगा वरना मैं नहीं बनाऊंगा ऐसी फालतू में। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।